संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, हाई कोर्ट के आदेश को खारिज किया जा चुका है। हालांकि कानून में बदलाव किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल से सलाह लेकर, लेकिन रोक बरकरार रहेगी, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? अब से कुछ सेकंड पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक अहम फैसला, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में 2 जुलाई 2009 को कहा था कि एक अगर कोई व्यस्क लोग अगर किसी प्राइवेट जगह पर जाकर के किसी तरीके से समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाना चाहिए, आर्टिकल 14, 15, 1921 का हवाला देते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत ठहराया है और उस पर रोक लगा दी है। इसका मतलब साफ है कि हाईकोर्ट ने जो ये कहा था कि समलैंगिक लोग अगर वो व्यस्क हैं और कहीं प्राइवेट में तो वो समलैंगिक संबंध बना सकते हैं, तो हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी मतलब की बड़ी खबर आपको बता दें, यानी कि धारा 377 आईपीसी की धारा 377 में जो अपराध माना गया है समलैंगिक संबंधों को, उसे अपराध ही माना जाएगा। और जुलाई 2009 में जो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया था जिसे इसमें अपराध की श्रेणी से इसे बाहर रखा गया था, उस आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जुलाई 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश था, अंकित लगातार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, यानी कि धारा 377 के तहत इसे अपराध ही माना जाएगा? जी बिल्कुल, धारा 377 के तहत उसको अपराध ही माना जाएगा। और हाईकोर्ट ने थोड़ी सी रियायत देते हुए ये कहा था कि अगर कोई भी व्यस्क लोग समलैंगिक संबंध में शामिल होते हैं और वो अपने निजी क्षण में होते हैं तो उसको, यानी कि प्राइवेट अगर कहीं उस तरीके के शामिल होते हैं तो उसको अपराध नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जिसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया 7 जुलाई 2009 को, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। और अब से कुछ मिनटों पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है उसमें कहा है कि समलैंगिक संबंध किसी भी तरह से मनाना एक अपराध है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वयस्कों के बीच आपसी सहमति से संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था हाईकोर्ट। समलैंगिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने वयस्कों के बीच आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। जुलाई 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश था। Supreme Personal Law Board had filed a petition before the Supreme Court challenging the judgment of the Delhi High Court which had held that that section 377 IPC as unconstitutional. Supreme Court today has set aside the judgment of the Delhi High Court and the Supreme Court has dealt that it is constitutionally valid, and it has said that it has further said that the Union of India, if they want to delete it from the statute book, they will be at liberty to do so. Hindi mein bata dijiye, Supreme Court ne kya kaha faisle mein? Supreme Court ne aaj apne faisle mein Delhi High Court ke judgment ko set साइड कर दिया है और उन्होंने कहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन है और अगर यूनियन ऑफ इंडिया इसके अपने स्टैट्यूट बुक से हटाना चाहती है तो उनको अपनी लिबर्टी है। लेकिन जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और 377 आईपीसी एक प्रॉपर प्रोविजन है और क्रिमिनलिटी जो उसमें इन्वॉल्व है वो रहेगी। थैंक यू सर। सर इंग्लिश में दोबारा कर दीजिए, नाम लेट आए सर, प्लीज सर। चलो 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 भाई, ये हिंदी नाम बता, ठीक है सर, प्लीज इंग्लिश, ठीक है। दी ऑल इंडिया सुप्रीम, अब तो इस
सर नाम बता दीजिए। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समलैंगिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली हाई कोर्ट के जुलाई 2009 के फैसले को रद्द कर दिया। आपको बता दें जुलाई 2009 में जो फैसला दिया था उसके मुताबिक वयस्कों के बीच आपसी संबंध बनाना, समलैंगिक संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था, लेकिन अब उस फैसले पर रोक लगा दी गई है, उस फैसले को रद्द कर दिया गया और कहा गया है कि वो संवैधानिक रूप से सही है और धारा 377 आईपीसी की धारा 377 जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध माना गया है वो बरकरार रहेगा। हालांकि यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार अगर कानून में बदलाव करना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन तब तक धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार चाहे तो संविधान में बदलाव कर सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर।